दोस्तों आज हमारे पास एक ट्रांसमीटर आया है। देखिए ये 15 dBm का ट्रांसमीटर है जो शार्प विजन कंपनी का है। देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, हम इसको एसी सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने एसी सप्लाई दे दिया, देखिए ये ऑन हो गया, लेकिन इसमें रेड लाइट जला हुआ है। ठीक है, ये रेड लाइट कैसे क्यों जलता है, लेज़र ऑन नहीं हुआ, नहीं तो आरएफ सिग्नल हमें इनपुट नहीं मिला। ठीक है, इसमें हम आरएफ सिग्नल लगा के देखेंगे, आरएफ सिग्नल इसमें लगा के देखेंगे। ये हमारा आरएफ सिग्नल है, देखिए इसमें गेन कितना आ रहा है। अब देखिए इसमें हमें 69 हमें गेन मिल रहा है, 68 69। ठीक है, ये हम इसमें लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, मीटर को बंद कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। हम सामने देखते हैं, ये देखिए ये इंडिकेटर जैसा था वैसा ही है, ये ग्रीन होना पड़ेगा तब भी ट्रांसमीटर हमारा काम करेगा। ये ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, इसका पावर सप्लाई भी ठीक है, दिखने में बता रहा है पावर सप्लाई इसका ठीक है। ओके, अभी हम इसको खोलेंगे और देखेंगे हमारा लेज़र ऑन हुआ कि नहीं इसका। हालांकि मैंने स्क्रू सारे खोल के रखा हुआ है, इसका ढक्कन हमने ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर होता है अंदर में, लेज़र ऑन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें लेज़र ऑन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम पहले वोल्टेज मेज़र करेंगे, उसके बाद इसका क्या प्रॉब्लम हुआ हम देखेंगे। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। पहले मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ, देखिए मैंने कैमरे को सेट कर दिया। अभी हम देखेंगे इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, पहले हमें कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है और कितना वोल्टेज हमें लॉस दिखा रहा है। हम पहले मीटर निकाल लेते हैं, ये हमने मीटर ले लिया। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी पे हमने सेट कर लिया। ठीक है, डीसी पे हमने लगा लिया, मीटर पे देखिए हम नेगेटिव इधर पकड़ लेंगे और इधर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा 24 वोल्ट का कनेक्शन है, देखिए इसमें हमें मिल रहा है 15 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए इधर लिखा भी है, इधर लिखा भी है, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर 24 वोल्ट लिखा हुआ है, इधर हमने नेगेटिव पकड़ लिया, ये देखिए इधर हमें 15 वोल्ट मिल रहा है। आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, मीटर की तरफ देखिए, ये देखिए 15 वोल्ट हमें मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राउंड है, इधर ये लाल वाला ग्राउंड है, फिर से इसको दिखाते हैं, ये देखिए 15 वोल्ट हमें मिल रहा है। और इसके बाद प्लस 5 वोल्ट है इसमें, देखिए यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट लिखा हुआ है, देखिए प्लस 5 वोल्ट की जगह 4.6 वोल्ट हमें मिल रहा है, 4.6 वोल्ट हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर एक ग्राउंड है, उसके बाद
देखिए माइनस 5 वोल्ट, देखिए माइनस 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। इस वोल्टेज हमें क्यों कम मिल रहा है, हम पावर सप्लाई अभी देखेंगे। यहाँ पे कुछ ख़राब हो रखा है, इसको हम पहले रिपेयर करेंगे, फिर से देखेंगे लेज़र हमारा ऑन होता है क्या नहीं, ठीक है। ये पावर सप्लाई हमारा हीट हो रहा है, बहुत हीट हो रहा है, इसमें शॉर्टिंग प्रॉब्लम है। पहले इसको हम रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है। चैनल भी बने रहिए। तो हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन किया हुआ है पावर सप्लाई को, इसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए, यहाँ पे जो कैपेसिटर वगैरह है ये सब फूल गया है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, देखिए ये भी फूल गया है, ये भी फूल गया, ठीक है। ये सब कैपेसिटर को पहले चेंज करना होगा, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए ये हम इसको ओपन कर रहे हैं, हमने स्क्रू खोल दिया है, देखिए नीचे कैसे काला हो गया, ठीक है, कैसे काला हो गया। इसको हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे हमारा रिपेयर होता है कि नहीं। इसको हम पहले एक एक करके सारे कैपेसिटर को चेंज करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। पहले हम इस सारे कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने सारे कंडेंसर को कैपेसिटर को चेंज कर दिया, ठीक है, नया लगा दिया। अभी हम देखेंगे इसमें सप्लाई दे करके हमारा जो वोल्टेज हमारा बराबर आया कि नहीं। मीटर की तरफ देखिए, ठीक है, हमारा ऑन हो गया, ये हमारा इंडिकेटर शो करने लगा है। मीटर की तरफ देखिए हमारा वोल्टेज बराबर आया कि नहीं। ये हमने ग्राउंड लगा दिया, ये हमने पॉजिटिव लगा दिया, देखिए ये हमारा 24 वोल्ट, देखिए 24 वोल्ट हमारा शो कर रहा है। पहले हमको 15 वोल्ट मिल रहा था, अभी हमें 24 वोल्ट बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ग्राउंड है और ये हमारा 5 वोल्ट है, देखिए 5 वोल्ट हमारा आया कि नहीं। ये देखिए हमारा 5 वोल्ट बराबर है, 5 वोल्ट प्लस है ये, और यहाँ पर साइड में जो कनेक्शन है वो 5 वोल्ट माइनस है, देखिए बराबर है। अभी हम इसको इसमें पावर सप्लाई को पहले की तरह फिट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांसमीटर में लोड दे करके ठीक हुआ है कि नहीं। ओके, हमने लाइन बंद कर दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ग्राउंड हमने लगा दिया, यहाँ पे हमारा वोल्टेज हमारा शो कर रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए वोल्टेज हमारा बराबर शो कर रहा है। मीटर को थोड़ा दूरी रखते हैं, नहीं तो अच्छा से दिखाई नहीं देगा। मीटर की तरफ देखिए, लाइट बंद कर देते हैं। देखिए मीटर इधर देखिए लिखा हुआ है, इधर ऑप्टिक में वोल्टेज हमारा लिखा हुआ है, इधर जूम करके दिखाते हैं। देखिए इधर 5 वोल्ट माइनस, ग्राउंड 5 वोल्ट प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है,
मीटर की तरफ देखिए, देखिए वोल्टेज नहीं है, इधर भी कोई वोल्टेज नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, इधर कोई वोल्टेज नहीं है। अगर हम चाबी स्विच को अगर ऑन कर देते हैं तब भी इसमें वोल्टेज चला आएगा। मीटर की तरफ देखिए, हम चाबी स्विच को ऑन कर देंगे, इधर मीटर हमने लगा लिया, देखिए देखिए वोल्टेज भी आ गया, हमारा लेज़र भी ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारा ओके हो गया है। अभी हम सामने का जो रेड लाइट है, ये देखिए रेड लाइट हमारा ग्रीन हो गया है, मतलब हमारा ट्रांसमीटर ओके हो गया है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया, इधर हमने चाबी देखिए, चाबी हमने ऑन करके रखा हुआ है, छोड़ दिया, बंद हो गया। ठीक है, इसको फिर से ऑन करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया, ये ग्रीन लाइट हो जाएगा। देखिए ये ग्रीन लाइट हो गया, ओके। इसको हम अभी फिट करेंगे, उसके बाद फाइनल आपको दिखाते हैं। हमने सब कुछ लगा लिया है। ठीक है, अभी इसको हम फिर से फाइनल लाइन देंगे। ये हमने फाइनल लाइन दे दिया, देखिए इधर रेड लाइट जला हुआ है, देखिए रहा है टर्न ऑन ऑप्टिकल की। ठीक है, इसको हम पुल करके शॉर्ट कर देंगे। ये हमने शॉर्ट कर दिया, देखिए ये ओके हो गया। इसमें दिखा रहा है देखिए, ऑप्टिकल पावर 13.9। ये हमारा ट्रांसमीटर हमारा बराबर वर्क कर रहा है। देखिए RF सिग्नल ओके बता रहा है। तो हमारा ट्रांसमीटर ओके हो चुका है, अभी ये चलने के काबिल है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।